नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। नीतीश सरकार लगातार बिहार की बेटियों के लिए काम करने के दावे करते नजर आती है, कभी आगे की पढ़ाई के रूप में, कभी साइकिल, कभी यूनिफॉर्म और अब एक और तोहफा, मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं को जो तैयारी कर रही हैं उनको नीतीश कुमार का ये तोहफा है। अब बिहार सरकार ये जो तैयारी है उसके लिए ऑनलाइन क्लास के जरिए फ्री में उनकी कोचिंग करवाएगी। बस इस तैयारी में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं, वो ये कि छात्रा पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से होनी चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सरकार की ओर से पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए ये बड़ा तोहफा साबित होने जा रहा है। बस फिर क्या, बिहार की छात्राएं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें एक भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कल्याण विभाग राज्य के सभी 38 जिलों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा शुरू करेगी। इसका फायदा 35,000 से ज्यादा बच्चियों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि अगर सब ठीक रहा तो अगस्त में ये काम शुरू हो जाएगा। इसमें आवासीय सुविधा के अंतर्गत छात्राओं को कोचिंग दिलाने का काम किया जाएगा। इसमें इंटरनेट भी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। यही नहीं, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बच्चियों को मशहूर कोचिंग सेंटर से क्लास मटेरियल भी दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान छात्राओं की दिक्कत दूर करने के लिए हफ्ते में एक विशेष क्लास भी लगेगी। अब एक बार सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है ये जान लेते हैं। तो जानकारी के मुताबिक इस पूरी स्कीम को लेकर समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए टीवी स्क्रीन, इंटरनेट से लेकर ब्लैक बोर्ड तक की तैयारी कर ली है। इस पूरे कार्यक्रम की हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग होगी। इसकी जानकारी पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने दी है। उनका कहना है कि कन्या आवासीय स्कूल में पढ़ रही लड़कियों के अलावा पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका फायदा मिलेगा। तो बस अब बिहार की बच्चियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना उतना भी मुश्किल नहीं रहेगा। खैर, अब आगे देखना ये होगा कि सरकार की जो ये स्कीम है वो धरातल पर कब तक उतरती है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।